नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है NH24 न्यूज नेटवर्क पर। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि भारत अगले दोनों मैचों को जीत लेगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा 5 मैचों की वनडे सीरीज के अंतिम 2 मुकाबलों के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के अगले 2 मैच क्रमशः बेंगलोर और नागपुर में खेले जाएंगे। टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। टीम में बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल की वापसी हुई है, जो एडी की चोट की वजह से पहले 3 वनडे में नहीं खेल सके थे। टीम इंडिया में स्टार खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को बाहर कर दिया गया है, जिन्हें अक्षर पटेल के विकल्प के रूप में शामिल किया गया था। BCCI ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 3 वनडे के लिए घोषित टीम को ही अगले 2 मैचों के लिए भी बरकरार रखा है। शिखर धवन अभी भी घर में हैं और उन्हें अगले 2 मुकाबलों के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। टीम इंडिया ने विराट कोहली के नेतृत्व में लगातार 9वीं वनडे जीत हासिल की। इंदौर वनडे में जीत के साथ ही विराट ब्रिगेड ICC की वनडे रैंकिंग में टॉप स्थान पर पहुंच गई है। इससे पहले पिछले वर्ष इंदौर में टेस्ट के बाद ही टीम इंडिया ICC टेस्ट रैंकिंग में भी शीर्ष पर पहुंची थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का 4था मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो महज औपचारिक बनकर रह गया है क्योंकि टीम इंडिया ने पहले ही सीरीज अपने कब्जे में कर ली है। हालांकि कप्तान कोहली ने 4थे वनडे में बाद संकेत दिए हैं कि 4थे वनडे में वे चपर बैठे कई खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम 2 वनडे के लिए टीम इंडिया इस प्रकार है: विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा उप कप्तान, KL राहुल, मनीष पांडे, केदार जाधव, अजिंक्य रहाणे, MS धोनी विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल।